अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जारी है कन्या भ्रूण हत्या का कहर। हर 52 सेकंड में कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है। हर घंटे में 68 से ज्यादा कन्याओं को मां के गर्भ में मार दिया जाता है। भारत की जनसंख्या में पुरुषों से लगभग 5 करोड़ महिलाएं व लड़कियों की संख्या कम है। विश्व के देशों में 100 पुरुषों के मुकाबले जहां स्त्रियों की संख्या 105 है, वहीं भारत में यह आंकड़ा 93 है। देश में गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया, बावजूद इसके ये रुकने का नाम नहीं ले रही। अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष 6 लाख बेटियां गर्भ में मार दी जाती है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार करे भी तो क्या, सरकार ने कानून बनाया लेकिन उसका पालन कैसे हो ये वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी हर गर्भवती स्त्री पर पहरा तो नहीं लगा सकती। दरअसल इस पर रोक लगाना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। ये तभी संभव है जब कन्या भ्रूण हत्या कराने वाले समाज वर्ग को जागरूक किया जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए, उसका निदान हो, तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन इतना समय किसके पास है, इतनी माथापच्ची की जाए, इसलिए सरकार भी एडवाइजरी जारी कर, ऐलान घोषणाएं कर, अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर लेती है, और फिर समाज जाने समाज के लोग। लेकिन हम आपको बता दें, समाज को इस अभिशाप से बचाने और सही दिशा पर लाने के लिए एक ऐसी ही आध्यात्मिक संस्था लगातार कार्य कर रही है, जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम ऋषि निशा न केवल अपने करोड़ों अनुयायियों को भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें शपथ दिला रहे हैं कि वो ऐसा अभिशाप नहीं करेंगे। और कमाल, न केवल वो खुद भ्रूण हत्या से तौबा कर रहे हैं, बल्कि और लोगों को भी भ्रूण हत्या करने से रोक रहे हैं। और तो और, जो लोग भ्रूण हत्या के लिए तैयार हैं, जो अनचाहे गर्भ से परेशान हैं और गर्भ में अपने बच्चे को मार देना चाहते हैं, यदि उनको कहीं ये जानकारी मिलती है तो वो उन माओं को, उन परिवारों को उस भ्रूण हत्या से रोकते हैं और वादा करते हैं कि उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले संतान का पालन पोषण वो करेंगे, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी वो उठाएंगे, और इस तरह भ्रूण हत्या रोकने में एक महायज्ञ रूपी अभियान जो डेरा सच्चा सौदा ने चलाया है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसी ही एक नन्ही गुड़िया से, जिसका नाम भी सगुन है और वो आई भी सगुन में है, जिसको माँ के गर्भ में मार दिया जा रहा था। इसके बारे में जानेंगे। आइए अपने दर्शकों को आज दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जो सच है लेकिन दुनिया उससे अनजान है। वो कहानी है इस नन्ही सी गुड़िया की। ये गुड़िया जो आप देख रहे हो, ये पार्क में घूम रही है गुड़िया, ये गुड़िया जो आपको दिखाई दे रही है, ये वो गुड़िया है जिसको बचाने के लिए सरकार देश भर में अभियान चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी को बचा कौन रहा है, बेटी को बचाने के लिए आगे आ कौन रहा है, ये लोग नहीं जानते। ये तो सबको पता है कि सरकार नए नए बड़े बड़े अलग अलग अभियान चला रही है, लेकिन वास्तव में जमीन पर अभियान की सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। बेटी बचाने के लिए क्या सार्थक प्रयास किए गए, क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, ये किसी को जानकारी नहीं। अभियान चला ये जानकारी है, लेकिन हम आपको रूबरू कराते हैं डेरा सच्चा सौदा के उस अभियान से जो जमीनी स्तर पर बड़ी ताकत के साथ चल रहा है, वो है भ्रूण हत्या रोको बेटी बचाओ। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा ने बहुत साल पहले एक अभियान शुरू किया था 133 मानवता भलाई कार्यों के अंतर्गत, बेटी बचाओ भ्रूण हत्या रोको।
आज उसी भ्रूण हत्या को रोक करके एक बेटी को मरने से बचाया है। ये वो बेटी है जिसको गर्भ में मार दिया जाना था, लेकिन उसी अभियान से प्रेरित होकर के एक बहन ने एक भ्रूण हत्या होने से बचाई है, एक बेटी को बचाया है, गर्भ में मरने से बचाया है, और बचाया ही नहीं है, आज उसका पालन पोषण भी कर रही है। आइए हम मिलते हैं, ये हमारी बहन है श्रीमती मंजू। क्या है मामला बहन मंजू जी, आप बताएं। हम बहुत पुराने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे। पिताजी जब भी सत्संग में जाते थे हम हमेशा ही कन्या भ्रूण और तो सामाजिक कार्य करते करते थे, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जरूर बताते थे कि मतलब करवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, बहुत बड़ा पाप है। तो जैसे हमारे पास दो बेटे हैं मेरे पास, एक 18 साल का है और एक 13 साल का है। मतलब हम जाते रहते हैं डेरे में, सत्संग पे भी वैसे भी जाते रहते हैं, ऐसी सेवा में करते हुए किसी बहन के जरिए हमें पता लगा कि जब ये गर्भ में थी गुड़िया अपनी माँ के, जब चौथा महीना चल रहा था इसकी माँ के, तो पता नहीं उन्होंने कहीं से चेकअप वगैरह करवा लिया तो उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि गुड़िया है, तो हमें किसी के थ्रू पता लगा कि वो अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। तो जैसे पिताजी हमेशा ही पिताजी की प्रेरणा पे चलते हुए पिताजी हमेशा ही कहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करवानी चाहिए, तो जैसे कैसे उनको समझाया कि केवल आप जन्म दे दो, उसके बाद डेरे की और हमारी जिम्मेवारी है। डेरे में भी बात की इस बारे में हमने, तो उन्होंने कहा कि नहीं अबॉर्शन से रोक लो उनको, तो हमारे बहुत समझाने पे फिर वो मान गए किसी ना किसी तरह। तो जैसे ही फिर इसका जन्म हुआ 16 सितंबर 2016 को जी, तो पैदा होते ही उनका आधे घंटे के अंदर ही फ़ोन आ गया, जैसे मेरे साथ ही उनका लिंक था कि इनके जरिए ही मतलब दिलवाना है गुड़िया को, तो उनका फ़ोन आ गया। तो मेरे हस्बैंड कुदरती उस दिन बाहर थे, तो वो कहने लगे कि अभी लेके जाओ, गुड़िया हो गई है, मतलब हमने नहीं रखना इसको जी। तो मैंने उनको ये भी कहा कि कल को ले जाएंगे, एक दिन तो रखो अपने पास। कह रहे नहीं, कह रहे हमने तो बस पहले आपने कह रखा है, ले जाओ। तो जैसे मैं और यहाँ से जो हमारे ब्लॉक में थे भाई जिम्मेवार सेवा में रहते थे, उनको साथ में टीम बना के ले गए, हम गए उनको समझाने के लिए गए थे कि थोड़े 2-4 दिन रखो अपने पास जी। लेकिन वो मानने नहीं, उन्होंने हमें उसी दिन इसको साथ में दे दिया। तो फिर साथ ले आए, हाँ जी हम साथ ले आए अपने उसी दिन। आप अपने घर में पाल रहे हैं? हाँ जी, हम बस फिर हमने इसकी जिम्मेवारी ले ली और इसको कानूनी तौर पे भी गोद ले चुके हैं। अच्छा, डेरा से कब जुड़े हैं आप? डेरा से मेरी शादी 2000 में हुई थी, उसी टाइम नाम ले लिया था, मेरा ससुराल का परिवार पहले ही जुड़ा हुआ था। अच्छा, इस गुड़िया को आपने गोद लिया? हाँ जी। जिन्होंने गुड़िया को जन्म दिया, हाँ जी, वो इसको रखने को तैयार नहीं, नहीं। आपने इसको गोद ले लिया, इतना बड़ा कदम पिताजी की प्रेरणा से। परिवार को लेके इसमें कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई सारा परिवार ने मना किया हो या बच्चों ने मना किया हो? नहीं, पिताजी की रहमत से सभी शुरू से ही जुड़े हुए हैं डेरे से भी, तो पिताजी जो भी वचन करते हैं अच्छे मानवता भलाई के कार्यों में, तो उनमें बढ़ चढ़ के सहयोग देते हैं। तो हमने तो पिताजी की प्रेरणा से ही मानवता भलाई का कार्य सोच के गुड़िया को अपना लिया। क्या लगता है गुड़िया आपको मिली, आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा, हमें इतनी खुशी अपने जो हमने बच्चे पैदा किए हैं उन्होंने नहीं दी जितनी ये खुशी हमें ये दे रही है, मतलब अलग ही खुशी महसूस होती है। अच्छा, इससे पहले आपके पास दो बेटे हैं? हाँ जी। अच्छा, बेटी नहीं थी, ये कमी महसूस होती थी? वैसे तो कभी इतनी कमी भी नहीं महसूस हुई बस, लेकिन जब ये आई जिंदगी में तो अभी तो यूँ लगता है कि हाँ अब पूरी हुई है जिंदगी। शगुन नाम रखा हमने अपनी बेटी का, वो भी पिताजी की रहमत से, पिताजी के वचनों से ही रखवा, पिताजी से ही रखवा के आए थे। मतलब हम तो पिताजी के उस पे ही चलते हैं, वचनों पे, और पिताजी के वचनों पे चलते हुए ही हमने इतना बड़ा कदम उठाया। आपने जब बात डेरा में बताई, गुरुजी के सामने बताई, हाँ जी, क्या कहना था गुरुजी? पिताजी ने तो कहा था कि अच्छी तरह से सास संभाल करनी है, कानूनी तौर पे कागज वगैरह बनवाओ, मतलब और अच्छी तरह प्रेम प्यार भी करना है। पिताजी से 2 बार वचन करवाए हमने शगुन के बारे में, तो पिताजी ने बहुत खुशियाँ दी, कहते भी बेटा भी भ्रूण हत्या से बचाया है बच्ची को, नई खुशियाँ लेके आएगी परिवार में। अच्छा, इसको लेके कुछ और सामाजिक लोगों ने या कुछ और लोगों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की हो, कोई ऐसी बात लगी हो? नहीं, वैसे आम तौर पे हमें तो सबने अच्छा ही कहा है कि बहुत भलाई का काम किया है आपने,
बच्चे की जान बच गई और इतनी अच्छी तरह से लालन पोषण कर रहे हैं, मतलब सभी देख के बहुत समाज में सराहना ही की है, किसी ने भी निंदा नहीं की इस काम के बारे में। संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि हमने एक बेटी को मरने से बचाया है, उसको पाल रहे हैं, परिवार में घुल मिल गई है, लोगों को क्या या संगत को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संगत को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी भी पिताजी जो भी वचन करते हैं, जो भी सामाजिक कार्य पिताजी ने चलाए हुए हैं, अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं हमें करने चाहिए बढ़ चढ़ के, जो भी कार्य है पिताजी ने। और बेटियों के प्रति तो पिताजी ने वैसे ही, मतलब बेटियां बड़ी होके पता नहीं अब इसको ही पता नहीं क्या बनना है बड़े होके, मालिक ने किस लिए इसको ज़िंदगी दी है, क्या बनेगी है, क्या पता कितनी बड़ी अफसर बन जाए। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे कि इसको जो ये बनना चाहेगी वही बनाएंगे इसको। जिस बेटी को बचाया आज उसका लालन पोषण कर रहे हैं उसको लेके इनके घर में कितनी खुशी है, घर में कितनी खुशियां हैं, घर के लोग कैसा महसूस करते हैं, आइए इन बहन से जानते हैं। जैसे पहले मैं एक्टिवा चलाती थी, नाम चर्चा वगैरह में आती थी, एक्टिवा चलाती थी, इसके आने के बाद मेरे को एक्टिवा भी नहीं चलाने देते भी, कभी इसके गुड़िया के ना कुछ हो जाए। अभी आगे खड़ी होके चली जाती है, फिर भी मेरे को एक्टिवा नहीं चलाने देते। अच्छा। कि नहीं तू गिरा देगी इसको, मतलब इतना सब बच्चे भी मेरे हस्बैंड भी इसके बिना तो एक पल भी रह नहीं सकते, सारे लोग इससे प्यार करते। हाँ सभी घर घर के क्या पास पड़ोस मतलब सबसे ही प्यार लेती है, तो आसपास वालों से भी, रिश्तेदारों से भी, हाँ जी सभी, इसकी बुआ नहीं नहीं सब बहुत खुश है। जैसे जैसे मैंने बेटों के टाइम खुशी मनाई थी वैसे ही इसके टाइम खुशी मनाई, जैसे इसकी बुआ वगैरह के सबके फ़ोन आते हैं, वीडियो कॉल पे इसको देखते हैं, मतलब इसको दिखा दो एक बार, खेलते हुए दिखा दो इसको, कभी इसकी वीडियो शेयर करना, कभी कुछ, मतलब सब में खुशी है बहुत ज़्यादा। आपने सुना इन बहन के विचार, बेटी आने से कितनी खुशी हुई। देखिए एक वो परिवार था जिसने इस बेटी को गर्भ में मार देना था, और एक ये बहन है जिसने बेटी को गर्भ में मरने से बचाया, और बचाया नहीं खाली, आज उसके लालन पोषण की जिम्मेदारी अपने सिर पे ली है, और इस परिवार में इतनी खुशी है। देखिए इनका कहना है कि इनके दो बेटे थे, परिवार अधूरा लगता था, लेकिन आज बेटी आने से परिवार पूरा लगता है। दूसरे की बेटी को अपना करके, अपनी बेटी बना करके कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की प्रेरणा से। आज इसका श्रेय ये पूज्य गुरु जी को देते हैं, और यही कहते हैं कि पूज्य गुरु जी ने ही हमें प्रेरणा दी, बेटी बचाओ भ्रूण हत्या रोको। वास्तव में गुरु जी की सीख कितनी ज़बरदस्त है, कितनी ताकतवर है, कितनी ज़ोरदार है, और कितनी धरातल पर है। क्या इसकी कोई मिसाल मिल सकती है? नहीं, मुझे तो आज तक ऐसा देखने में नहीं मिला कि किसी ने किसी को भ्रूण हत्या से रोका हो और उसकी बेटी को अपना बेटी बनाया हो। लेकिन यहाँ ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, ये एक वानगी भर है। समय समय पर हम आपको ऐसे ही और भी किस्से बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लगातार सच कहो न्यूज। धन्यवाद।